हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस टाइम आप लोग को एक स्पेशल वीडियो मिल रही है जिसमें आप लोग को ओ लेवल एग्जाम से रिलेटेड कुछ जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। एक्चुअली क्या है, काफी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि सर हमारे एग्जाम ऑफलाइन होगी का, क्योंकि क्या है ए लेवल और ओ लेवल के एग्जाम जो साथ में पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजिंग आ गई है और काफी स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं जो नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। काफी स्टूडेंट ने थोड़ा सा देखने में गलती की है और मुझे वो नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट भी भेजा हुआ है, वो मैं आपको भी बताने वाला हूं। तो इस वाली वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आखिर क्या रीजन है, क्यों आप लोग इतना कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, और ये भी मैं आपको बता दूं, कहीं आपका एग्जाम ऑफलाइन तो नहीं, तो सारी जानकारी, सारे कंफ्यूजिंग आपको इस वीडियो में खत्म करके मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग अब एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, कैसे क्या आपको करना है। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करिए। आज हम लोग जानने वाले हैं कि आप लोग के एग्जाम ऑफलाइन होंगे। ठीक है, जितने भी डाउट्स हैं स्टूडेंट के, सब अभी मैं खत्म करने वाला हूं, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है, पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और आपके सामने बताऊंगा, तब आप लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सारे कोई भी डाउट करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा अपडेट मैं आपको भी बताने वाला हूं, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं अपडेट की तरफ। जो भी अपडेट, जो भी डाउट आ रहे हैं, तो ये देखिए, ये जो अपडेट आया है नेलेट की तरफ से, यहां पर स्टूडेंट यहां से कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि यहां पर क्या लिखा, देखिए 13 से 17 में आपके भी एग्जाम है। ठीक है, तो इसी से क्या है, ऑफलाइन मोड, स्टूडेंट ने ऊपर क्या है देखा नहीं है, क्योंकि यह लिखा था ए बी सी लेवल, तो कहीं कहीं पे क्या है ब्लर उन्होंने जो भेजा हुआ है, तो उनकी डाउनलोडिंग में कोई इश्यू है, उनके पास किसी ने भेजा है, तो उन्होंने भी मुझे भेजा हुआ है। लेकिन जब मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक किया, तो मैंने यहां पे देखा है कि यहां पे जो लिखा है, आप देखिए यहां ऑफलाइन मोड देख लिया है, 13 से 17 जनवरी यहां लिखा है ऑफलाइन मोड। वीडियो इसलिए बनाई है ताकि जो भी कंफ्यूज हो सकता है, और भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो और स्टेट के स्टूडेंट कंफ्यूज हो, तो उन्हीं के लिए वीडियो भी बना दी मैंने, जिसमें से सारी कंफ्यूजिंग खत्म हो जाए। ठीक है, यहां देखिए लिखा है शेड्यूल ऑफ जनवरी 2024 एग्जाम साइकिल फॉर ओ ए बी सी लेवल थ्योरी एग्जाम। ठीक है, ये पढ़ने के बाद कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे देखिए मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन देख लिया। ठीक है, ये चीज पढ़ने के बाद, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला सा सब्जेक्ट में लिखा हुआ है ओ ए बी सी लेवल थ्योरी एग्जाम ऑफलाइन होंगे। ठीक है, तो अभी हम आपका सारा डाउट खत्म कर देते हैं। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है दिस शेड्यूल फॉर ओ ए बी सी लेवल एग्जामिनेशन जनवरी 2024 एग्जाम साइकिल थ्योरी एग्जाम। ठीक है, यहां तक अगर कोई इतना पढ़ता है और यहां मोड देख लेगा, तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। काफी स्टूडेंट यहां इसी वजह से कंफ्यूज हुए, लेकिन टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सारी कंफ्यूजिंग हमारी अभी खत्म होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी कंफ्यूजिंग हम लोग जस्ट अभी खत्म करते हैं। लिखा हुआ है शेड्यूल फॉर ए ए फाइव आर फाइव ए टेन आर फाइव, ठीक है, बी सी लेवल एग्जाम जनवरी 2024 एग्जाम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ए ए से लेकर आर फाइव ए टेन, मतलब ये आप लोगों के ओ लेवल का नहीं है, ये ए लेवल के लिए दिया हुआ है, जिसका जो मोड लिखा हुआ है क्या लिखा है ऑफलाइन। तो यहां ये जो दिया हुआ है जो नोटिफिकेशन, वो किसके लिए दिया हुआ है आप लोगों का, ऑफलाइन दिया हुआ है, लेकिन किसके लिए दिया हुआ है, ये आपका ए लेवल के। अभी टाइमिंग भी ये जो दी है ना 9:30 से 12:30, इसको भी कंफ्यूजिंग यहां से भी क्रिएट हुई है कि सर पहले की तरह एग्जाम होने वाला है, क्योंकि पहले भी इसी तरह से 3 घंटे का होता था और इस बार भी जो एग्जाम होने वाला है वो 3 घंटे का होने वाला। तो यहां से भी एक कंफ्यूजिंग क्रिएट हुई है, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग आप लोगों की ऊपर से ही चली आई है, जैसे आपने ऊपर देखा तो फिर वो नीचे भी आपकी कंफ्यूजिंग हुई है। ठीक है, तो यहां पर जो लिखा हुआ है ये भी आपका ओ लेवल का नहीं है, ये भी आपका ए लेवल का है। अभी यहां लिखा है शेड्यूल फॉर ओ एंड ए लेवल, ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ एग्जाम डेट 13 to 20 जनवरी और यहाँ ए लेवल की है 16 to 20 जनवरी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अब आप यहाँ देखिए मोड ऑफ एग्जाम, ठीक है, क्या लिखा है, मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन लिखा हुआ है। ठीक है, ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ए फाइव से ए टेन और यहाँ पे लिखा हुआ है ए लेवल और ओ लेवल, तो मोड ऑफ एग्जाम दोनों का ही सेम है, जहां पे लिखा हुआ है आपका 13 से 20 और 16 to 20 ऑनलाइन। अब सेशन क्या है, सेशन टाइमिंग फॉर ओ ए लेवल, तो आपको पता है इस बार जो आप लोग के सेशन होते हैं वो अब ऑनलाइन हो गया है, तो पहले सेशन में रहेगा आपका 9:30 से 11 बजे तक, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। दूसरा सेशन रहेगा 11:30 से 1 बजे तक, फिर जो नेक्स्ट रहेगा वो आपका आफ्टरनून का रहेगा, जो कि आप लोग का रहेगा यहाँ पे 2:00 से 3:30 बजे तक, और जो चौथा रहेगा, ठीक है, जो तीसरे के बाद जो चौथा रहेगा वो रहेगा 4:30 से 5:30 बजे, तो मतलब एक दिन में आप लोगों के 4 रहेंगे यहाँ पे जो सेशन रहेंगे। अब एक बात और है यहाँ पे आप लोग को, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो लोग कंफ्यूज है, पहले जो एग्जाम होते थे वो क्या होते थे, एक दिन में एक ही एग्जाम होता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अब एक दिन में एक एग्जाम नहीं होता है, अब एक दिन में हमारे जो, जैसे आपने मान लीजिए 4 मॉड्यूल के एग्जाम फिल किए, ठीक है, आपने जो फॉर्म फिल किया वो 4 मॉड्यूल का फिल किया है, तो आप लोगों के एक दिन में 4 एग्जाम भी हो सकते हैं, याद रखिएगा, एक दिन में 4 हो सकता है, एक ही दिन में आपकी 4 शिफ्टों में एग्जाम हो जाए, 2 एग्जाम दिए हैं तो एक दिन में 2 भी हो सकते हैं। पहले क्या होता था, जैसे 13 को M1 हो गया, फिर आप लोगों का जो नेक्स्ट रहेगा वो कितने का हो जाएगा,
जो होगा वो आपका 14 को होगा, फिर नेक्स्ट आपका 15 होगा, फिर नेक्स्ट आपका 16 होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का पहले जो एग्जाम होता था इस तरह से होता था, लेकिन अभी जो अब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है उसमें क्या हो रहा है, जो आपका एग्जाम हो रहा है वो आप लोगों के एग्जाम एक दिन में 4 भी हो सकते हैं, एक दिन में 3, एक दिन में 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, और किसी किसी का एक दिन में 1 भी हो सकता है। तो वो मैंने आप लोगों को बिल्कुल डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। अभी जो एग्जाम डेट आपको मैंने बता दी है, जैसे नीचे भी दिया है, ठीक है, ये आप लोगों का उसी का दिया हुआ जो ऑफलाइन वाला है। हम अभी ओ लेवल पे आते हैं, यहाँ लिया हुआ है जैसे 13 जनवरी को, यहाँ लिखा है ओ डी वन डी टू डी वन डी वन डी वन डी वन डी वन मतलब डे वन, ठीक है। तो चारों के यहाँ पे दिया है 13 को, फिर संडे को भी आपके 4 होंगे, चारों शिफ्ट रहेंगे, फिर मंडे को भी होगा, फिर ट्यूसडे, फिर फिर यहाँ पे वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। पूरे आपका जो रहेगा 13 से 20 जनवरी के बीच में जो भी एग्जाम रहेंगे वो 13 से 20 जनवरी में आपके होने वाले हैं, ठीक है। तो आपके सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जो ऑफलाइन एग्जाम है वो आप लोगों ने ऊपर जो बाय मिस्टेक किसी स्टूडेंट ने ऊपर देखा है, कुछ कुछ स्टूडेंट ने ये थ्योरी पढ़ने के बाद यहाँ पर मोड ऑफ एग्जाम सीधा ऑफलाइन देख लिया है, इस वजह से कुछ डाउट थे वो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। तो जो आपके एग्जाम होंगे वो कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे, एक दिन में 2 एग्जाम भी हो सकते हैं, एक दिन में 4 भी हो सकते हैं, सब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं, जो कि हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है, जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं उनको बता देना चाहता हूं, एग्जाम की तैयारी आप हमारे चैनल से करिए, क्योंकि ओ लेवल गुरुजी चैनल पर सारी क्लासें आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री ऑफ कंटेंट सब कुछ हम यहां पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, यहां जस्ट आपको सर्च करना है ओ लेवल गुरुजी। जैसे ही आप यहां पे सर्च करते हैं तो हम लोग अपने कहां पे आ जाएंगे, चैनल पर, और ओ लेवल गुरुजी पे आपको क्लिक करना है। हर तरह की सारी क्लासेस यहां, लगभग पूरा ओ लेवल गुरुजी चैनल स्पेशल ओ लेवल के लिए, यहां और कुछ नहीं है, सिर्फ ओ लेवल का ही कंटेंट मिलेगा। यहां पर सारी वीडियोस हमारी अपलोड हो रही है लगातार डेली, M1 की क्लासेस मॉर्निंग में अपलोड होती है, M2 की क्लासेस हमारी शाम के 6 बजे अपलोड होती है, 6 या 7 बजे अपलोड होती है, M3 और M4 की वीडियो क्लास जो एग्जाम के लिए वो हमारी रात के 8 बजे अपलोड होती है। यहां आपको प्लेलिस्ट पर आ जाना है, अभी हमारी नई प्लेलिस्ट बनी हुई है क्योंकि तैयारी हमारी अभी 2-3 दिन से स्टार्ट हुई है, रेगुलर अपडेट्स हो रही है। ओ लेवल पाइथन M3 नाम से नई प्लेलिस्ट 2024 ये बनी हुई है, वेब डिजाइन के लिए जो प्लेलिस्ट बनी है M2R5 2024 ये बनी हुई है, जनवरी M1R5 जनवरी 2024 एग्जाम लिखा हुआ, तो ये प्लेलिस्ट ये बनी हुई है। तो ये जो नई प्लेलिस्ट है जो कि हमारा नया अपडेट हो रहा है, और बाकी जो आपको पता है हमारी जो प्लेलिस्ट जो बनी हुई है ये सारी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनी हुई है। अगर आप यहां से करना चाहें तो पुरानी वीडियोस, पुराने क्वेश्चन सब कुछ आप लोगों को यहां पे मिल जाएंगे, और हमारे वीडियो जो हमारा कंटेंट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों को 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। लगभग मैं आपको अगर बता दूं तो हर मॉड्यूल का हमारे चैनल पर, जैसे आप लोगों को पाइथन की तैयारी करना हो तो आप देख रहे हैं प्लेलिस्ट में यहाँ पे जो वीडियोस हैं कितनी है आप लोग, यहाँ पे 34 वीडियोस अवेलेबल, बस आपको क्लिक करना है, पूरा सीरीज वाइज डे वन से लेके डे लास्ट तक पूरा सीरीज वाइज 100-100 क्वेश्चन मिलके हर एक मॉड्यूल पे, हमारे जो चैनल है हमारा जो वीडियो है यहाँ पर आपको हर एक मॉड्यूल पे लगभग कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा बहुत होंगे, कम से कम 3000 क्वेश्चन आपको हर एक मॉड्यूल पे मिल जाएंगे, आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। ओ लेवल गुरुजी चैनल पे आप देख रहे हैं डे वाइज सारी क्लासे अपलोड है, आउट ऑफ द सिलेबस भी क्वेश्चन आएंगे तो भी आप यहां से कर पाएंगे। जो हम लोग यहां पर सीरीज देख रहे हैं बिल्कुल डे वन से है, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सेट पेपर मैं यहां पे सॉल्व करवाता हूं। तो आप लोग क्या करें, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि, क्योंकि मैंने देखा है और यूट्यूब पे क्या है, लोग आप पैसे ले रहे हैं तैयारी कराने के, लेकिन ओ लेवल गुरुजी चैनल पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं प्लेलिस्ट बता देता हूं, क्लासेस भी हमारी कंप्लीट हो गई है, ओ लेवल M1R5 की क्लासेस आपको यहां पे मिल जाएंगी, ओ लेवल M3 की क्लासेस ये रही आपकी, IoT की क्लासेस आपको ये रही यहां पे, और M2 की क्लासेस आपको सबसे ऊपर मिलेंगी जहां पे वेब डिजाइन M2R5 क्लासेस के नाम से वीडियो जो प्लेलिस्ट का हमारा बना हुआ है, ठीक है। बाकी नई प्लेलिस्ट के लिए ये 2024 आपको अलग से दिख जाएंगी, पुराने क्वेश्चंस, पुराने वीडियोस जो भी आपको देखने हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑलरेडी हमारे 3 से 4 हजार क्वेश्चन हर एक मॉड्यूल पर अपलोड है, और प्रैक्टिकल्स के भी यहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, सारा कंटेंट हमारा वही होता है एग्जाम में आता है। इसके अलावा आपको एक काम और करना, हमारी वेबसाइट है careersknowledge.in, इस पे आपको डेली विजिट करना है, इस पे भी देखिए कल ही हमारा अपडेट हुआ है LibreOffice Impress के एग्जाम के लिए टॉप 60 क्वेश्चन, जस्ट आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करते हैं तो आप लोग यहां पे देखेंगे यहां पूरा एग्जाम का कंटेंट उपलब्ध है आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। LibreOffice Impress सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, LibreOffice सारे क्वेश्चन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट आपको क्या करना है, इसकी भी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। बस आपको careersknowledge.in पे आपको विजिट करना है, सीधा ब्राउजर पे आना है, यहां पर आने के बाद
यहाँ पर आप देखेंगे सारा ओ लेवल का कंटेंट है। आप चाहे लिब्रे ऑफिस एम वन के राइटर के चाहिए, आपको कैल्क के चाहिए, इम्प्रेस के चाहिए, ये भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोग क्या करें, जस्ट ओ लेवल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ओ लेवल पे क्लिक करेंगे बस आप स्क्रॉल करते जाइए, सारा ओ लेवल का कॉन्टेंट है। आपको जो भी देखना हो, एम टू की क्लासेस, एम टू एम थ्री के नोट्स वगैरह सब आपको ओ लेवल वाले बटन में मिल जाएंगे। देखिए पाइथन के भी हमने प्रैक्टिकल्स वगैरह दिया है। अगर आपको फंडामेंटल के चाहिए तो मैं लास्ट वाले पेज पर आ रहा हूँ, डायरेक्ट फोर्थ नंबर के पेज पे। बस हमने जस्ट क्लिक किया फोर्थ नंबर के पेज पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सारे जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड है। ओ लेवल एम वन क्वेश्चंस जैसे आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारे क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, बाकी अपडेट जो था वो मैंने आपको बता दिया है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑनलाइन ही एग्जाम होंगे, कब एग्जाम होंगे, सब कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स की कंफ्यूजिंग बिल्कुल खत्म हो जाए। ठीक है, तो 13 से 20 जनवरी के बीच में आप लोग के एग्जाम हो सकते हैं, और एक दिन में दो भी हो सकते हैं, 3 और 4 भी हो सकते हैं। और ये वाला जो रहा है एक इसीलिए यहाँ पे जो वाला नोटिफिकेशन है ये आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर अपने जो भी मैं आपको बता दिया हूं, पहले मैंने आपको कि जो आपकी आप लोगों की क्लासेस अपलोड हो रही है एग्जाम के लिए, वो आप लोगों की रात के 8 बजे पाइथन और आईओटी की अपलोड हो रही है एग्जाम के लिए, एमसीक्यू की क्लासेस, और जो आप लोगों की M2R5 की क्लासेस होगी वो 7 बजे अपलोड होगी, और मॉर्निंग में आप लोगों की अपलोड होती है M1R5 की क्लासेस। ठीक है, वो कभी कभी आफ्टरनून में भी अपलोड हो जाती है, जैसे कि 1 बजे के टाइम पे, तो वो आप उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों सारे अपडेट यहाँ पे मिल सके। ठीक है, तो ये सब कुछ नोटिफिकेशन मैंने आप लोग बता दिया है। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेगुलर क्लासेस देखिए। इसके अलावा एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे चैनल पर एक जो हमारे पीडीएफ वगैरह है, पीडीएफ भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है, लेकिन उसका एक रीजन है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कैसे मिलेगी वो सब मैंने आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया हुआ था, और वीडियो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ पे 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, कि जो हम लोग 3 क्वेश्चन वहां पे पूछते हैं, जो भी स्टूडेंट हमारे तीनों क्वेश्चन का, जो भी स्टूडेंट 3 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही देता है, तो हमारी तरफ से जो पीडीएफ रहेगी एग्जाम के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसका जो हमारा चार्ज रहता है, वैसे हमारी पीडीएफ का चार्ज होता है 199 रुपीज 249 रुपीज, कम से कम मैं आपको 700 से 800 क्वेश्चन एग्जाम के प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट लेने के लिए आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, जो भी मैं वीडियो में पूछता हूं उनके आंसर के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ हमारी तरफ से भेज दी जाती है। ठीक है, तो जो लोग भी पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, और फ्री ऑफ कॉस्ट वाले हमारे जो